Good morning, students. Most welcome to the SBPS online classes. This video for class 12, subject math. Yesterday, in previous video, I teach you maxima and minima and the second derivative test. Today, also, I will teach you exercise 6.5 maxima and minima. Find the maximum and minimum value of the following function, if any. So, if x equals to 2x minus 1 whole square plus 3, we know that 2x minus 1 whole square greater than 0 for all x. ये आपकी हमेशा greater than 0 रहेगी. और all x, x की चाहे value positive रखिए चाहे negative. Because perfect square always greater than 0. Square लगा है इसलिए अगर negative के अंदर आएगी value तो square करने से positive हो जाएगी. तो always greater than 0 for all x. So 2x minus 1 का whole square प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0. तो ये वैल्यू आपकी जब ये आपकी मान लीजिए 0 हो जाएगी तो ये 3 से या 3 से बड़ी ही है. तो फॉर मिनिमम वैल्यू पुट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 अपॉन 2 एट पॉइंट एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू पर इसकी क्या आएगी मिनिमम वैल्यू आएगी. जब ये जीरो हो जाएगा तो देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 3. अब 3 से ग्रेटर तो एफ वन अपॉन टू इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इक्वल टू मिनिमम वैल्यू. यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 2 वन अपॉन टू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. 2 से 2 कैंसिल 1 माइनस 1 ये 0 प्लस 3 इक्वल टू 3. मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी है 3 और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड. मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड क्योंकि मैक्सिमम जैसे ही एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इंफिनिटी तक जा सकती है. तो कम से कम 3 होगी, 3 से अधिक कितनी भी हो सकती है. अब आप देख लीजिए x इक्वल टू 1/2 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके इसकी वैल्यू 3 आएगी. x की वैल्यू 1.2 के एक्सेप्ट अदर कोई वैल्यू पुट कर दे तो ये 3 से बड़ी ही आएगी, छोटी नहीं हो सकती. चेक कर लीजिए जैसे हमने 1 रख दिया तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1. 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4 हो गई. जैसे आपने माइनस 1 रख दिया तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा. माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 9, 9 3 12 मीन्स मिनिमम वैल्यू इसकी 3 होगी, 3 से अधिक चाहे जितनी हो जाए. अब मैक्सिमम वैल्यू ना दिखाए. सिमिलरली सेकेंड बार एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 तो इसके आप ऐसे लिख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए 3x और प्लस 3 टू या सिर्फ 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो 3 या 9x स्क्वायर 2 टू या 4 लाने के लिए माइनस 2 और करना पड़ेगा है. 3 या 9x स्क्वायर प्लस 2 टू या 4 3 टू या 6 टू या 12 4 से 2 या यही चीज आ गई. 2 ऐड कर दिया 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब सिमिलरली आप जानते हैं ये वैल्यू जो है आपकी क्या है ऑलवेज पॉजिटिव है. परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव. तो सिंस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स. ऑल एक्स मींस एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. हेंस सो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2 फॉर ऑल एक्स. सो मिनिमम वैल्यू फॉर मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स पुट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 एट पॉइंट माइनस 2 अपॉन 3 फंक्शन है मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू मिनिमम वैल्यू तो एफ माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू पुट कर दीजिए या 9 माइनस 2 अपॉन 3 का स्क्वायर और प्लस 12 इंटू माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 2 आएगी. अगर ये 0 हो जाए तो कम से कम माइनस 2 है, फिर ज्यादा से ज्यादा चाहे जितनी हो जाए तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल
कितनी है, माइनस टू से बढ़ती चली जाएगी, माइनस टू से, और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड है, कैसी है, नॉट डिफाइंड, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड पार्ट है एफ इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टेन एंड फोर्थ पार्ट जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज योर होमवर्क। Find maximum and minimum value. That's all. Thank you.